अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आज मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर नंबर 28 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन 4a प्लस एक्स स्केयर रूट माइनस ए माइनस एक्स स्केयर रूट इक्वल टू ए स्केयर रूट। इसको मैंने अपनी सहूलत के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, हमने इसका दोनों साइड पे स्केयर ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे हम ए माइनस बी स्केयर वाले फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। ये वैल्यू ए वाली जगह पे है, ये वैल्यू बी वाली जगह पे है, तो इस तरह से ए माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। और राइट साइड पे स्केयर स्केयर उससे कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। नेक्स्ट हमने इस वैल्यू को इस साइड पे लिख दिया है, पहले लिख दिया है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इनका स्केयर रूट इकट्ठा कर दिया और इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हमने इस स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल कर दिया, इस तरह ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 4a प्लस एक्स बचेगा, यहाँ a माइनस एक्स अकेला बचेगा। a हमने वैसे का वैसा रीराइट कर दिया, 4a इधर प्लस है उधर जाके माइनस 4a हो जाएगा, x इधर प्लस है उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरह से a इधर प्लस है इस साइड में माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक्स इधर दूसरी साइड पर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो 4a बचेगा। इस साइड पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, 4a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो, और इसी तरह x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये रिजल्ट मिला। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने 4ax और ax इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ये माइनस टू, माइनस टू को हमने दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दिया, और 4a स्क्वायर वैसे का वैसा, 4 माइनस 4ax में से प्लस ax माइनस करें, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आता माइनस 3ax। इस तरह माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, और ये मैंने आपको बताया कि उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो इस तरह इसका आंसर आ गया 2a। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, स्केयर रूट अभी भी पड़ा हुआ है। स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हमेशा स्केयर लेना पड़ता है। स्केयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड, हमने दोबारा दोनों साइड पे स्केयर ले लिया, तो इस साइड पे जब स्केयर लेंगे, लेफ्ट साइड पे स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्केयर हमने कैसे लेना है, 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर a स्केयर, और ये वाला क्योंकि स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू वैसी की वैसी यहाँ हमने रीराइट कर दिए हैं। और नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि 4a स्क्वायर को हम इस साइड पे ले आए, तो इस तरह 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर आके माइनस 4a स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमने ये किया है कि पहले हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लिख दिया, फिर x वाली वैल्यू की लिख दिया, उसके बाद वैसे का वैसा इक्वल और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों में से माइनस एक्स कामन आ रहा है, जब माइनस एक्स कामन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से माइनस एक्स कामन आ गया तो एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस एक्स कामन आ गया तो प्लस 3a बचेगा इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो ये अलहदा भी 0 के इक्वल होंगे, तो यानी माइनस एक्स भी 0 के इक्वल और एक्स प्लस 3a भी 0 के इक्वल। अब ये माइनस उधर जाके 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, इस तरह x की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से 3 प्लस 3a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करेंगे इस इक्वेशन में, चेक करने के लिए कि ये इस इक्वेशन के रूट हैं या नहीं। चेकिंग, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये इक्वेशन हमने उठा के यहाँ लिख दी है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ से 4a प्लस 0, 4a बचेगा, a में से 0 माइनस करेंगे a बचेगा और a। अच्छा, 4 का स्केयर रूट क्या होता है, 2, और माइनस ए हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस ए, और प्लस ए पहले से भी मौजूद है तो प्लस स्क्वायर रूट है, प्लस स्क्वायर रूट है, टू स्क्वायर रूट है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, तो जब हम स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर आ गया ए इक्वल टू ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इस इक्वेशन का रूट है। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, तो हमने इक्वेशन 1 को उठा के यहाँ लिख दिया है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हमने माइनस 3a पुट कर दिया, तो 4a में से माइनस 3a कर दें तो a बचेगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 3a और प्लस a 4a, ये वैसे का वैसा।
अब 4a, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है a वैसे का वैसा, तो 2a में से a माइनस कर दे तो बचेगा माइनस ए स्क्वायर रूट, ये वैसे का वैसा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब माइनस 3a क्या है, एक्सटेनियस रूट है, फालतू रूट है, इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिख सकते। तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट है ज़ीरो, यानी ज़ीरो को हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।